मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारी मॉर्निंग देखें, और स्नो स्मूथली पड़ रही है, अभी थोड़ी थोड़ी रात से हो रही है स्नोफॉल। और चलिए मैं बाहर का दिखाती हूँ, बच्चों के स्कूल का देखते हैं। साथ साथ यहाँ तो शुक्र है ज़्यादा नहीं, और साथ साथ दिन भी है ना, तो इतना ज़्यादा शुक्र है। बच्चों के स्कूल की पार्क, वो स्कूल की पार्किंग में है, वो कोई नहीं टीचर्स की है, और अभी बच्चों का तो भी टाइम है स्कूल स्टार्ट। मैं किचन में आ गई हूँ और बाहर का व्यू दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को अपना व्लॉग स्टार्ट करके गुड मॉर्निंग करके और फिर मैं सो गई, क्योंकि कल मैं बहुत थकी थी और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, और फिर लॉन्ड्री भी रात को करते हैं 12 बजे, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए तो ये है सूरत हाल। चले मैं अपना नाश्ता बना लूँ, तो क्या खाऊँगी, ब्रेड ऊपर वाली ली हूँ, क्योंकि इसको काफ़ी दिन से लाइए लाए हैं, इसको रखती हूँ अंदर, जगह भी बनानी पड़ती है, तो ये थोड़ी वाली यूज़ करेंगे, और ये इसको फ्रिज में रखते हैं, जगह बनानी पड़ती है इसकी, अच्छा इधर रखते हैं ये खीर, ऐसे अंदर रखी हुई। चलो मैं क्या खाऊँ, पहले ब्रेड एंड बटर या फिर आज खा ली थी। ये मेरे एग ऊपर है, हमने कहा मुर्गी भाग ना जाए इसलिए ऊपर रखी है। तो ये आज मुर्गी है, और ये दिन सारा। चलो पहले मैं आपको मेरा दिखाती हूँ बाहर का, सो पड़ रही थी। चलें जी, मैं किचन में आ गया, ब्रेकफास्ट कर लिया था। ये देखिए मेरे बर्तन, और इनको मैं वॉश करूँगी, और फिर मैं स्टिचिंग का करूँगी, लाइट ऑन कर दूँ, क्योंकि वेदर बाहर ऐसा ही हो रहा है। मैं थोड़ा सा बाहर से भी थोड़ा दिखाती हूँ, तो कोल्ड काफ़ी है, और ऐसी नहीं स्नो हो रही, लेकिन मैं दिखाई देती हूँ। चलें जी, किचन भी हो गया है क्लीन, बस तो वॉश कर लिया मैंने, और कपड़े हीटिंग को ज़्यादा कवर नहीं कर रही, ठंड बहुत है इसलिए। तो चलें अब मैं अपना करती हूँ काम। चले ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको कैमरे से, ये देखें, ये इसका फ्रंट है, ये फ्रंट है इसका, और ये इसका फ्रंट से ज़्यादा मुझे बैक इसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका बैक बहुत अच्छा है। इसको दिखाती हूँ मैं, मुश्किल हो जाता है, ये बैक मुझे बैक इसका इतना पसंद है, दिल चाहता है इसका फ्रंट लगने के लिए, फ्रंट का नहीं है बैक का ये, और ये है, लेकिन कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, कैमरे में वैसे भी डार्क ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं लाइट बनाऊँगा, लाइट तो नहीं बना सकती, इसका ट्राउज़र्स का जो है वो लाइट है, तो इसलिए वो हो जाएगा। ये जो है ना ऊपर इतना काम है, लेकिन ये मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि टू मच लगेगा, मुझे नहीं पसंद इतना ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें, ये नहीं मैंने रखना बिल्कुल भी नहीं, बस ये इतना ही इनफ है, ये जो गले पे बना है डिज़ाइन, ये मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा है, और ढोलकियों में काम आएंगे, ये भी ढोलकी के लिए है, और ये भी ढोलकी के लिए, ये इसका क्या कहते हैं अस्तर है, और ये इसका ट्राउज़र है, तो लाइट हो जाएगा ये, और दुपट्टा इसका ये है, दुपट्टा अच्छा है ज़रा थोड़ा सा, बस ये किनारे बस थोड़े से बने, तो ये किनारे बने, लेकिन चलें कोई नहीं,
अगर देखते हो ये गोटा मैं उतार दूँ तो खाली यही रहने दूँ तो भी अच्छा है, मुझे ये उतार ही देना है, क्योंकि मैं इसके इसका नीचे का भी नहीं रख रही तो इसका भी नहीं रखूँगी मुझे। और ये इसलिए रखा है दोनों किनारों पे कि दुपट्टा थोड़ा सा हैवी फील हो जाता है, लेकिन ये मैं हटा दूँगी, मुझे नहीं इतना टू मच नहीं चाहिए। ये हो गया, इसकी भी करनी है मुझे कटिंग और स्टिचिंग करनी है, और बाकी कपड़े भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें हैं, मेरी बेटी बेटियों के हैं, मेरे खुद के भी हैं, ये ऐसे नॉर्मली पहनने के लिए। अभी जैसे रेजरेक्शन आ रहा है तो जैसे गुड फ्राइडे को पहन लिया, और शाम में कलवरी है तब पहनेंगे, और ये तो नॉर्मल चर्च में पहन के जा सकते हैं। तो ये चलें जी, स्टार्ट करती हूँ इसको भी और उसको भी, तो सुबह से स्नो हो ही रही है, लेकिन अब रात को ज़्यादा हो जाएगी, अब रात होती जा रही है तो ये ज़्यादा ही होती जा रही जाएगी। वैसे आप देख रहे हैं गाड़ी पे, अब काफ़ी पहले तो साथ मेल्ट हो रही थी, अब मेल्ट नहीं हो रही, ये देखिए बस मेल्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इस तरह ज़्यादा बुरा लगता है। चले, थोड़ी सी स्टिचिंग से मैं फ्री हुई थी तो मैंने सोचा बाहर का व्यू दिखा दूँ। अब मैं अपने लिए खाना गर्म करने लगी और खाना खाऊँगी। मैं काफ़ी देर तक अपनी बेटी के पास बैठी थी तो थोड़ा सा टाइम आउट स्पेंड किया अपनी बेटी के साथ जी। तो ये हो गई है, इसमें मैं डालती हूँ तो स्नो की वजह से काफ़ी ठंड हो गई है, अंदर इतना पता नहीं चलता, एहसास नहीं होता, लेकिन ये कि कर्टन वगैरह अंदर थोड़े से ओपन करेंगे तो पता चलता है, इसलिए उसको आज घर को बहुत ज़्यादा पैक किया हुआ है ताकि हीटिंग अच्छे से हीट रही है, क्योंकि आप जितना अपने आप को कवर करके रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलो इसको ज़रा मैं थोड़ा सा स्लो फ्लेम करती हूँ ताकि ये स्लो फ्लेम में थोड़ी सी हो जाए जी। शर्ट मैंने रख ली है, इसको इसकी फ़िटिंग करनी है, और मेरे नाप की वो है उसके इसके साइज़ की, इस पर मैं इसको मार्क करूँगी फिर इसको स्टिच करूँगी। चलिए उल्टा करती हूँ और इसको मार्क करती हूँ, बस ये काम रह गया है। और उसकी शलवार है वो थोड़ी सी फ़िटिंग करूँगी क्योंकि इत लॉन्ग है तो इस पर थोड़ी सी फिटिंग, लूज़ शलवार अच्छी नहीं लगती, तो मैं अपने हिसाब से ही, क्योंकि हर इंसान का अपना टेस्ट होता है, और रेडीमेड तो फिर आपको पता है जिस तरह वो करते हैं फिर अपने अपने हिसाब से करना होता है, अगर करना है तो फिर, नहीं तो बाद बेचारे ऐसे पहन लेते नहीं कुछ करते। तो चले, तो ये एक और ढोलकी का ड्रेस मैंने रेडी कर लिया है, शलवार को भी टाइट कर लिया है, और शर्ट तो खैर कर, स्लीव्स भी लगाने थे वो मैंने पहले ही लगाए थे, और ये इसको टाइट किया अपनी सही फिटिंग के हिसाब से, लेंथ कम नहीं कर सकती थी इसलिए शलवार को मुझे टाइट करना पड़ा। तो मैं पहले अपने लिए चाय बनाती हूँ, और आप भी कहेंगे बार बार चाय चाय में बार बार नहीं पी पी रही, काफ़ी घंटे के बाद काम कर रही थी काफ़ी घंटों से, तो इसलिए मैं यहाँ हैंग करती हूँ तो थोड़ा सा दिखा। ये देखिए ये है जनाब मेरी चाय, मेरी बन गई है और मैं खाऊंगी अभी। ये मैं टोस्ट बना रही हूँ, मुझे ऐसे टोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, तो खाना तो खाया था शाम में बट ये मुझे अच्छे लगते हैं चाय के साथ, और इस पे ऑलिव ऑयल से गर्म करे हाँ मज़ा आता है, अब कुछ भी ना हो बहुत टेस्ट आता है अच्छा। और माइक्रोवेव में अपनी बेटी के लिए दाल वाला सूप कर रही हूँ, तो उसके लिए ये तो उसको नहीं दिल चाह रहा खाना, तो ये अच्छी नहीं होती तो फिर खाने को दिल नहीं करता, तो उसके लिए दाल वाला सूप रेडी करके लेके जाती हूँ। बस ये चीज़ें रेडी है मेरी, दाल कह रही हूँ चाय भी मेरी हो गई, बस मैं लेके जाती हूँ। चलें जी, अब मैं हो गई हूँ फ्री, और किचन क्लियर कर लिया, सब काम कर लिए, स्टिचिंग वगैरह सब, और अब रात काफ़ी हो गई है, मैंने अपनी बेटी के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड किया, और
अब आपको जैसे ये नज़र आ रहा है तो ये मैं करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था इसकी गोटा किनारी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसको रिमूव करूँगी, ये वाली को, तो टू मच लग रहा है, टू मच लग रहा है, तो बस ये करूँगी। फिर अपनी वीडियो को वो करूँगी, मैं एडिटिंग करूँगी। और दूसरा ये है कि मैं सब अपने सब्सक्राइबर का, जो मेरी वीडियो देखते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, दिल बहुत खुश होता है आप लोगों के प्यार के लिए। सबसे बढ़ के जो आप इतना मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं किसी काबिल तो नहीं हूँ, बस जस्ट ऐसे ही हूँ, तो आप लोगों का प्यार है जो इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच, इंडिया से, पाकिस्तान से, यूके से, अमेरिका से भी, सबके इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, और वो आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की क्या कहते हैं, नज़रे इनायत है, तो बस ये है, आप लोगों की मोहब्बत है। थैंक यू सो मच, और ज़रूर मुझे एडवाइस भी साथ दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और मज़ीद क्या करना है, क्योंकि ये होता है कि ये आप लोग जैसा चाहते हैं ना, वैसे हम वैसे काम करेंगे, तो हमें आप लोगों को देखने को भी अच्छा लगेगा, और हमें करते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि हमें कोई देख रहा है। हम फिर ये फील नहीं होता कि कैमरे के बिहाइंड है, ऐसे लगे हम आमने सामने एक फैमिली बन जाती है, तो लगता है हम फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं। तो अच्छा है, मैं जब वीडियो बनाया करूँगी, कोई बात हुआ करेगी, तो मैं शेयर किया करूँगी, उसका नाम लेके शेयर किया करूँगी, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलें ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ़ से तो अब गुड नाइट, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा काम कर लूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। कैमरे को क्या हो गया, बाय।